नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें जुड़ी यादें इंसान के जहन में ताउम्र कैद रहती हैं। ऐसा अनूठा, अद्भुत और अनमोल बचपन जब किसी वहशी का शिकार बन जाए तब सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। दरअसल एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिता के पास ले जाने की बात कहकर एक युवती को फार्म हाउस पर ले जाकर तीन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के पिता का कहना है कि वह किराए के मकान पर परिवार के साथ रहता था। कुछ दिन पहले ही पत्नी को बच्चों के साथ सहारनपुर भेज दिया गया था और कुछ दिन बाद बेटी को सहारनपुर से वापस देहरादून बुलाया। गत 22 अप्रैल को उसकी बेटी रोडवेज बस से देहरादून आई। बेटी पहले परिचित महिला के घर पहुंची और परिचित महिला के घर ही रुक गई। अगले दिन परिचित महिला बेटी को छोड़ने के लिए उसके पास आ रही थी। रास्ते में कार चालक व्यक्ति गोविंद मिला। उसने घर छोड़ने की बात कही। आपको बता दें कि परिचित महिला ने बेटी को गोविंद की कार में बिठा दिया। इसके बाद गोविंद पहले कार रेलवे स्टेशन के पास ले गया और वहां अपने दो दोस्तों को बैठा लिया। इसके बाद दूधली रोड पर एक फार्म हाउस में ले गए जहां पर गोविंद व उसके दोनों दोस्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी किशोरी को बदहवास हालत में डोईवाला चीनी मिल के पास छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंचने के बाद बेटी ने पिता को आपबीती बताई। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।